आपको सीधे ले चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा का संबोधन जारी है। जब लोग संकट में थे तो देवभूमि नहीं रही, और मुझे उनका यहाँ का उत्तराखंड का भाषण सुनते हुए मेरे मन में ये बात आई कि एक उनके लिए कर्मकांड हो गया है, आदत बन गई है। मंच पे आते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, देवभूमि, धर्म, लेकिन सच्चाई बहुत दूर है इससे। और सच्चाई ये है कि हिंदू धर्म में आस्था का प्रमाण क्या होता है, बताइए, कौन बताएगा? सच्ची आस्था क्या कहलाती है? आस्था का प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण हिंदू धर्म में त्याग होता है। होता है कि नहीं? सच्ची श्रद्धा तभी होती है जब कुछ इंसान कुछ त्यागता है उसके लिए। और मुझे लगता है कि जब कोई त्यागता नहीं है तो उसके मन में सच्ची श्रद्धा जाग नहीं सकती। मैंने त्याग देखा है। आप यहां इस प्रदेश से सरहद पे जवानों को भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं शहीद बनने के लिए। शहादत आप समझते हैं। मैं 19 साल की उम्र में अपने पिता की टूटी हुई लाश अपनी मां के सामने मैंने रखी। मैं शहादत को समझती हूं और मैं त्याग को समझती हूं। कितनी भी गालियां दें ये मेरे परिवार को, उस पिता के लाश की अगर ये अपमान करें, उस शहीद पिता का अपमान करें, हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था नहीं टूटती इस देश में, हमारी श्रद्धा नहीं टूटती, इनके कहने से नहीं टूटती, क्योंकि हमने त्याग लिया है, हमने शहादत दे दी है। चाहे कितनी भी गालियां दें, चाहे कितना भी करें, ये हमारे संघर्ष को समझ नहीं सकते, और ये हमारी श्रद्धा, हमारे देश के प्रति प्रेम को कभी नहीं समझ सकते, हमारे देशभक्ति को ये देशद्रोह कहें, हमें कुछ भी कहें, हम चुप रहते हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि श्रद्धा दिल में है, असली श्रद्धा है, असली आस्था है, नाम के लिए नहीं है, चुनावी भाषणों के लिए नहीं है, राजनीति के प्रयोग के लिए नहीं है, अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है, सच्ची श्रद्धा है। इन्होंने अपने भाषण में ओआरओपी की बात की, सैनिकों की बात की, आपको बधाई दी कि आपके प्रदेश ने इतने सारे सैनिक सरहद पे भेजे, भाषण की बात है। अग्निवीर कौन लाया और क्यों लाया, क्यों लाए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में नौजवान बच्चे दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, परिश्रम करते हैं सेना में जाने के लिए। दिल में देशभक्ति की भावना होती है, दिल में ये भावना होती है कि हम करके कुछ दिखाएंगे अपने देश के लिए, हम अपनी देश की सीमा पे खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। मोदी जी ने तय किया कि अग्निवीर जैसी योजना आएगी, सेना में भर्ती 4 सालों की होगी। जितने भी नौजवान हैं हर प्रदेश में जो तैयारी कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम सरहद पे जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, हमें स्थिर रोजगार मिलेगा, हम अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, जब तक बुढ़े होंगे, जब तक बुजुर्ग हो जाएंगे, तब तक हम उनकी देखभाल कर पाएंगे, सबकी आशाएं टूटी कि नहीं टूटी। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई मोदी जी का राजनीतिक भाषण है जिसमें वो जवानों की बात करते हैं, ओआरओपी की बात करते हैं कि उनके कार्यों में है, जब वो अग्निवीर लाते हैं, जब नौजवानों की आशाएं तोड़ते हैं, तो ये सच्चाई है कि नहीं? इसी तरह से आपने देखा होगा कि यहां पे पर्यटन की बातें करते हैं, कहते हैं कि पर्यटन की बहुत स्कीम गिना देते हैं आपको, लेकिन सच्चाई क्या है?
सच्चाई आपके जीवन है, सच्चाई आपका संघर्ष है, सच्चाई आज की बेरोजगारी है, सच्चाई आज की महंगाई है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, घोटाला हो जाता है, 20-20 लाख की नौकरियां बिक जाती हैं। किसके राज में हो रहा है ये? 10 सालों से किसका राज है? कितना दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना, 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं, 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहाँ से आया? आईआईटी, आईआईएम पूरे देश भर में कहाँ से आए? एम्स कहाँ से आए? ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था? ये मुमकिन होता आज? तो सच्चाई क्या है? आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं आपके सामने, कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था, मोदी जी का था, तो पहले कम क्यों नहीं किया? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, किसान खेती में खून पसीना अपना दे रहा है, कुछ कमा नहीं पा रहा है। कल मैं किसी से बात कर रही थी, दिल्ली में उत्तराखंड के हैं, पलायन करके गए हैं। मैंने पूछा, भाई घर कब जाते हो? साल में एक बार जाता हूँ। मैंने पूछा, दिल लगता है? बोला कि अब मजबूरी है, शहर में तो दिल लग नहीं सकता, लेकिन पूरे परिवार को ले आया हूँ। साल में एक बार एक महीने का मौका मिलता है, जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक दो महीने और बैठूं, दिल नहीं करता घर आने, यहाँ आने का। घर तो मेरा वहां है, पहाड़ों में, उन वादियों में, लेकिन दीदी मैं क्या करूं, वहां नौकरी नहीं मिलती, वहां रोजगार नहीं मिलता। तो ये बड़ी बड़ी बातें, टूरिज्म, ये वो, ऐसी स्कीम वैसी स्कीम, तो सच्चाई पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो रोजगार क्यों नहीं है आपके प्रदेश में? आपको बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? इतना हुनर है। कुछ दिनों पहले मैं विदेश में थी, विदेश में एक रेस्टोरेंट में थी, तो एक व्यक्ति आए मेरे पास कि फोटो खींच लूं मैं आपके साथ। मैंने कहा खींचिए। कहाँ के हैं? मैं उत्तराखंड का हूँ। क्या करते हैं? खाना पकाता हूँ। और उन्होंने मुझे बताया कि कितने हुनर के साथ कितने सारे उत्तराखंडी लोग बाहर विदेश में शेफ बने हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे आपके अपने प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है। हम क्या कह रहे हैं? हम एक सीधी सी बात कह रहे हैं, जहां भी जाती हूं मैं यही कहती हूं, चुनाव को मुद्दे पर लड़वाओ। नेताओं को ये कहती हूं, जब मुझे कहते हैं कि भाई मोदी जी ने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, हम क्या करें, धर्म की बातें करते हैं, मैं कहती हूं आप मुद्दों की बात करो। 10 साल बीत गए हैं, सब कुछ देख लिया जनता ने, जितने काम आपने करने थे वो कर लिए आपने,